फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चा अगर 3 से 5 दिन पॉटी नहीं करता है तो क्या हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए? श्रेया, मेरा बच्चा बहुत फाट कर रहा है बट पॉटी नहीं करता है, मतलब क्या बच्चे को कोई इशू है? ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जवाब जानेंगे आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड बच्चा है? जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड होते हैं उनमें दोनों भी पैटर्न नॉर्मल है कि एक दिन में बच्चा हर फीड के बाद पॉटी करता है, मतलब 20 बार तक भी पॉटी कर सकता है। और दूसरा भी पैटर्न बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि बच्चा 3 से 7 दिन तक भी पॉटी नहीं करता है। दोनों भी एक्सट्रीम है आप लोगों को जानने के लिए, बट दोनों भी नॉर्मल है। तो एग्जैक्टली आपको कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए? शायद अगर मेरा बच्चा लैक्टोजन लेता है या पाउडर्ड मिल्क लेता है या अगर कॉम्बिनेशन लेता है तो फिर क्या ये चीज़ें नॉर्मल है? यस, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो दोनों भी केसेस में नॉर्मल है, बट ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चों में ये जो ऑफन पॉटी वाला इशू है वो ज़्यादा पाया गया है कंपेयर टू पाउडर्ड मिल्क करने वाले बच्चों में। कॉन्स्टिपेशन ये ज़्यादा पाया जाता है। तो अब कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। अगर बच्चा अगर 3 से लेकर 8 दिन तक अगर पॉटी नहीं करता है तो आपको 8th डे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अगर इन 8 दिन के बीच में आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व हो तो आपको डॉक्टर के पास अर्जेंट जाना चाहिए। वो चीज़ें क्या क्या है वो बता देती हूँ। अगर बच्चा ग्रीन कलर की वॉमिटिंग कर रहा है, अगर बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, अगर बच्चा फीड ठीक से नहीं ले पा रहा है, अगर बच्चा पीसफुल नहीं है और बच्चे का सुसु काउंट कम हो गया है तो फिर आपको नहीं रुकना है। अब जानते हैं कौन से केसेस में आप एकदम नॉर्मल है ये समझ सकते हो। सबसे पहला चीज़, बच्चा फीड बहुत अच्छे से ले रहा है, बच्चा सुसु एटलीस्ट 6 से 10 बार कर रहा है, बच्चा पीसफुल है, बच्चा सो रहा है, कोई कंसर्न नहीं है और बच्चे का वेट गेन भी बहुत अच्छे से हो रहा है तो फिर हम लोग को बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। भले ही बच्चा 3 से 8 दिन पॉटी ना करे, भले ही बच्चा हर फीड के बाद पॉटी करे और बच्चा दिन में 20 बार पॉटी करे, सो स्टे एब्सोल्युटली पीसफुल, ब्लिसफुल। बच्चे के पॉटी को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लेना, इट्स ओके। किन किन लोगों को लगता है कि बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चे को गैसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये कनेक्शन मत लगाइए। अगर आपका बच्चा बॉटल से पीता है, चम्मच से पीता है, माँ के ब्रेस्ट से पीता है, बच्चों को टेंडेंसी है कॉलिक फील करने का बिकॉज उनका इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम अब तक उतना डेवलप नहीं हो रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आप लोगों को करना ज़रूरी है कि बच्चों को प्लीज़ टमी टाइम दो फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ। टमी टाइम पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, बट बच्चों को टमी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे टमी टाइम का ड्यूरेशन, टमी टाइम का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए जाओ। टमी टाइम बच्चों को कॉलिक फ्री करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बट ये कनेक्शन मत लगाओ कि बच्चा गैसेस पास करने की कोशिश कर रहा है ये पॉटी ना होने की वजह से। प्लीज़ ये कनेक्शन मत लगाओ। बच्चों को कॉलिक वैसे भी होता है और वो करीब 6 महीने तक थोड़ा ज़्यादा होगा, सो डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप में से किसी को मुझसे ट्रेन होना है तो गेट इन टच विद अस ऑन www.mydwija.com। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।